और बड़ी बड़ी गुजरियां। अब ये छोटे से कन्हैया क्यों हैं? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ में जब विष्णु रूप में बैठे हैं तो अचानक उनके मन में आया कि बैठा बैठा भी क्या करूं, चलो ब्रज धाम में चल के यात्रा आनंद ही लेते हैं, थोड़ी लीला ही कर लेते हैं। तो अपने पूरे परिकर के साथ ब्रज धाम में गोविंद आ गए। परिकर मतलब ये गोप गोपी ग्वाले सखा संगाती, ये सब भगवान के बैकुंठ के परिकर हैं। वहां भी साथ देते हैं, यहाँ भी साथ देते हैं। तो सब मिल करके गुजरियां कन्हैया से बड़ी सुंदर बात करती है। कन्हैया छोटे से पल्लू पकड़ के कहते हैं, अरे ओ गोपी, गोपी कृष्णम रसम पीवती इति गोपी, श्री कृष्ण का नाम का ही रस का पान करने वाली इंद्रियों को गोपी। गोपी कोई घाघरी चोला पहन के नाचने वाली नारी को नहीं कहा, गोपी तो गोपी है। गो अर्थात इंद्रिय, पी यानी इंद्रियों को जो पी करके कृष्ण नाम का रस पी करके अपने जीवन को व्यापन करती हो वो है गोपी। आइए गोपी भाव रखेंगे सब मिलकर और गाएंगे सब। हो कान्हा गोकुल रागेला में गेला में गेला में गेला में हमारे भाइयों के लिए तालियां बजाओ भैया, क्या बात है। कहते हैं कि गायक में गुण एक है, गाबा वालों तो खाली गावे ही माइक पकड़ के। गायक में गुण एक है और श्रोता में गुण चार, देखे भी नाचे भी भागे भी भगावे भी, नराई काम करे भाई। लेकिन श्रोता गण जो होते हैं ना वो बड़े चतुर होते हैं, हीरे की पहचान सच्चे भक्त की पहचान बड़ी जल्दी करते हैं, तो है ना। तो आइए इनके लिए, ये बड़े सुरीले भक्त हैं, ये नहीं तो हम भी नहीं, क्या बात है। गाओ मिलकर कहेंगे, हे कान्हा गोकुल रागेला में ओ कान्हा गोकुल रागेला में, ओ कान्हा गो
जावे कानो बजे बजे आवे ओ सखिया जल जमुना में जावे कानो बजे बजे आवे ओ सखिया जल जमुना में जावे कानो बजे बजे आवे ओ सखिया जल जमुना में जावे कानो बजे बजे आवे हे पे बड़ी लाह फोड़ की जावे
बिहारी।